ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति। मित्रों, आज बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। दिनांक 1/3/2019 से दिनांक 8/3/2019 तक कैसा रहेगा हमारी 12 राशियों का भविष्य, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि अर्थात मेघ राशि से। इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार होगा, बुध का परिवर्तन सकारात्मक रहेगा, सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी, उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की द्वितीय राशि अर्थात मकर राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, ग्रह स्थिति में हो रहा परिवर्तन सकारात्मक संकेत दे रहा है, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। राशि चक्र की तृतीय राशि अर्थात मिथुन राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा और लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की चतुर्थ राशि अर्थात कर्क राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आर्थिक प्रगति होगी, विकास का नया मार्ग प्रशस्त होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, किसी कार्य के होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी, किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित होंगे। राशि चक्र की पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि, लगातार परिवर्तित होती ग्रह स्थिति सकारात्मक संकेत दे रही है, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। राशि चक्र की छठी राशि अर्थात कन्या राशि, स्वास्थ्य शिथिल रहेगा, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे और सप्ताहांत में कोई सुखद समाचार भी प्राप्त होगा। राशि चक्र की सातवीं राशि अर्थात तुला राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा, कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। राशि चक्र की आठवीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी और धार्मिक यात्रा के योग हैं। राशि चक्र की नवीं राशि अर्थात धनराशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य शिथिल रहेगा, व्यय की अधिकता रहेगी, कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, संतान के संबंध में किया जा रहा प्रयास सफल होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी और देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। राशि चक्र की दसवीं राशि अर्थात मकर राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे परंतु वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि अर्थात कुंभ राशि, इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति का परिवर्तन सकारात्मक संकेत दे रहा है, आय के साधनों में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर सतर्कता की आवश्यकता है, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। राशि चक्र की बारहवीं राशि अर्थात मीन राशि, इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, आर्थिक प्रगति होगी और चली आ रही समस्याओं का अंत होगा। मित्रों, यह था राशिफल दिनांक 1/3/2019 से दिनांक 8/3/2019 तक। अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।